पितृ पक्ष माने जो गुजर गए बड़े लोग उनको याद कर ले। ये प्रथा करीब करीब दुनिया के सभी देशों में है। जब हम साउथ अमेरिका गए थे वहाँ पर भी ऐसा एक कुछ दिन आते हैं जहाँ पर जिन दिनों में वो लोग सारे जो पूर्वजों को याद करते हैं उनके लिए भोज बनाते हैं उनके नाम से और लोगों को दे करके अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये प्रथा साउथ अमेरिका में भी है, ये अफ्रीका में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग देखो उनमें भी है। करीब करीब दुनिया के सभी संस्कृतियों में ये बात है। चाइना में भी है, चाइनीज लोग भी वो करते हैं, वह पितरों के लिए जो जो पसंद था वो सब बनाते हैं कागज में, उसको जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं आप हमको ये चीज़ें आप दे दीजिए, तो उनसे मांग करते हैं। तो पितृ लोगों के स्मरण में किया हुआ जाता है, किया जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पितृपक्ष का यही महत्व है कि पितृपक्ष में तुम लोग प्रार्थना करें और जो मृत है जो अपने पूर्वज है उन सबको धन्यवाद दें। यही एक दिन के 15 दिन में कभी भी एक दिन के लिए कर ले लो। जिस दिन अक्सर क्या करते हैं, जिस दिन में उनकी उनका शरीर शांत हुआ उस दिन एक श्राद्ध जैसे मनाते हैं, या 15 दिन में किसी भी एक दिन सभी पितरों को याद करके एक दिन या उपवास करते हैं या उनके याद में कुछ भी अच्छा काम करते हैं। बस इतना ही तो करना, प्रार्थना ही करो, ध्यान ही करो, यही बहुत है, ठीक है ना। और सेवा करें। हमारे देश में क्या है, हर त्योहार के साथ सेवा जुड़ी हुई, लोग जनता की सेवा करते हैं, वृद्धों का सेवा करते हैं, महिलाओं को जो चीज़ें पहुंचाते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, गाय के लिए करते हैं, जानवरों के लिए भी करते हैं। ये सब सेवा प्रकल्प हर त्यौहार के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा ही है, तो पितृपक्ष में भी ऐसे ही करते हैं। मगर ये काफ़ी है, अच्छा उनका खाना नहीं खाना चाहिए, इसका खाना नहीं खाना चाहिए, पितृपक्ष के दिन दो भोजन फेंक दो, किसी और को मत दो, ये सब रूढ़िवाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिक चीज़ भी नहीं है। ऐसी प्रथा आ गई है, किसी का घर में श्राद्ध है तो उसके घर में उस दिन दूसरे लोग भोजन नहीं करते, वो सब ये जो रूढ़ी है ना, ये सब रिवाज ही है, इसका कोई शास्त्र का कोई संबंध नहीं है। तो हमें मुख्य रूप से यही पितृपक्ष पे ध्यान रखते हैं कि कोई गलत काम नहीं करते और पितरों की सम्मान करते हैं और कुछ अच्छा काम करते, सेवा करते हैं, क्यों इसके बाद तुरंत देव पक्ष आता है नवरात्रि, और नवरात्रों में तो देवी की पूजा होती है, पर सारे भगवान साथ में आते हैं। जब दुर्गा जी अकेले तो नहीं आती, महारानी आती तो पूरे भीड़ लेके आती है, पूरा दरबार, शिव जी भी आए वहाँ पर, सब नारायण का भी होता, गणपति आते, सब सबको, सारे देवताओं को एक साथ आराधना करने का वो देव पक्ष है 15 दिन। तो ये बहुत अच्छा है अपना भारतीय संस्कृति में, खास तौर से बारिश के दिन, खेत में कुछ काम तो होता नहीं है उन दिनों में, सब खेत में काम का कोई मतलब ही नहीं है, बारिश का दिन है,
अब खाली बैठ के इधर उधर की बात करें, चुगली करें, माता पीटते रहें, उससे बेहतर है ये एक महीने तुमको ऐसा बिता देते हैं, फिर शरद पूर्णिमा के दिन तो फिर तो बारिश समाप्त हो जाता है, शरद ऋतु समाप्त हो जाती है, फिर अपना काम में लगो, है ना। फिर काम में लगने की आदि नहीं हो तो फिर एक 15 दिन बाद फिर दिवाली आ गई। अच्छा, दिवाली में तो मनाओ सब मिलजुल के। अब देखो, पूर्वजों ने इतना अच्छा सोच समझ के किया है। दिवाली में लोगों से मिलन ये सब होता है, बारिश के दिनों में कैसे होगा, भैया दूजा बारिश के दिन में आ जाए तो उनके घर जाना है, भाई के घर या बहन के घर जाना है, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए वो चीज़ इस शरद ऋतु में नहीं रखा, वर्ष ऋतु में नहीं रखा, इसके बाद ही रखा वो सब। वर्षा समाप्त होने के बाद ही भैया दूजा है, दिवाली, दिवाली माने लेन देन होता ही है, एक दूसरे के घर जाओ सब, तब तक तो बारिश बंद हो जाती। ये चातुर्मास का एक विधान भी इसीलिए ही है, 4 महीने जब बारिश के महीने होते हैं, सन्यासी लोग भी एक ही जगह बैठते हैं, साधु सन्यासी महात्मा एक जगह बैठते हैं एक ही शहर में, और करते क्या, रोज सत्संग, रोज ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तो वही करना है, अब हमें भी यही करना है। ये 15 दिन जो नवरात्रि से शुरू होता है वो देवाराधन का दिन है, अपना कुछ अच्छी बातें सुने। इसी दुनिया में जो दिमाग हम फंसा के रखते हैं इससे ऊपर उठ के, इससे भी बहुत अगाध विश्व है, उसके ओर अपने मन को लगाने के लिए ये एक अवसर है, ये समझना।